दतिया में शहर के किला चौक से राजगढ़ चौराहे तक सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान गुरु नानक देव जी साहब के प्रकाश पर्व पर विशेष सफाई अभियान चलाया गया। इस अभियान में महिलाओं ने जिम्मा संभाला और सफाई अभियान में सहभागिता निभाई। तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। तस्वीरों में कोई सीईओ है तो कोई अपर कलेक्टर, कोई एसडीएम तो कोई तहसीलदार, या सभी आम नागरिकों के साथ हाथ बढ़ाकर सफाई में उनकी मदद करते दिखाई दिए। दतिया कलेक्टर बीएस जामोद का सफाई के प्रति यह जुनून आम नागरिकों को खास कर रहा है। जिला कलेक्टर को पूरा भरोसा है सफाई अभियान को लेकर वह जनता के साथ इस मिशन में सफल होंगे और दतिया जल्द ही कचरा मुक्त जिला बनेगा। हमारा शहर साफ स्वच्छ अगर हमारा शहर होगा तो निश्चित तौर पे उत्साह का माहौल बनेगा। और आज इस पर्व की खासियत ये है कि आज हमारी जिले की जितनी भी महिला अधिकारी हैं उन्होंने दतिया शहर में स्वच्छता अभियान के तहत कार्य करने का संकल्प लिया है। और आज आप देख रहे हैं जिले की सभी महिला अधिकारी कर्मचारी हैं वो आज इस अभियान में जुटी हैं। और ये सिर्फ सिंपल महिला अधिकारियों द्वारा काम करने का काम नहीं है, ये पूरी जन जागरूकता का अभियान है। महिला अधिकारी जब बोर्ड पर आ रही हैं, दतिया शहर को खुद अपने हाथों से साफ स्वच्छ कर रही हैं, निश्चित तौर पर जन जागरूकता का एक बेमिसाल उदाहरण है। इस दौरान अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने भी सफाई अभियान में हाथ बढ़ाकर अपनी भूमिका निभाई। स्वच्छता अभियान एक बहुत अच्छा अभियान है और हम अपने आसपास की गंदगी को हटाते हैं, क्योंकि जब आसपास का परिवेश गंदा रहता है तो वैज्ञानिक तरीके से देखा जाए तो हम आसपास अपने बैक्टीरिया पाल रहे होते हैं जो आए दिन हमें कहीं ना कहीं पैरों के जरिए, हाथों के जरिए हमारे शरीर को इंजेक्ट करते रहते हैं और हम बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए हर आदमी को हमें अवेयर करना है, जागरूक करना है कि हम अपने आसपास जितनी सफाई रखेंगे हम उतने ही स्वस्थ और अच्छा जीवन जिएंगे। अभी तक देखा उसी अनुक्रम में हम लोगों की तरफ से यही कह रहे हैं ध्यान चलाया जा रहा है और मार्गदर्शन हमारे श्रीमान कलेक्टर साहब का है और हम सब लोग इस अनूठी पहल में संगठित होकर इस संकल्प के साथ जुड़े हुए हैं कि दतिया शहर पूरी तरह से स्वच्छ हो और न केवल दतिया शहर स्वच्छता की जो अलग है अपने आस पास के लोगों तक भी पहुँचे ताकि वो स्वच्छता इसी दौरान अधिकारियों द्वारा दुकानदारों को समझाइश दी गई कि कचरा डस्टबिन में ही डालें, डस्टबिन न होने पर दुकानदारों पर जुर्माना लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर बार न्यूज़, दतिया।